सीजन वन एपिसोड टू स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि वो जो ओल्ड लेडी है वो टुगो की ग्रैंड मदर है। उसके ग्रैंड मदर के लिए वो लंच बना रहा होता है। उसकी ग्रैंड मदर उन दोनों स्केटर्स को घर में लेकर आती है। टुगो उसकी ग्रैंड मदर को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच ला रहा हूँ, तो तुम अपने रूम में जाओ और अपना सीरियल जो है वो देख लो। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वो उसको समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो दोनों स्केटर्स टुगो से बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मुझे हिट किया और फिर रन कर दिया, तो इसलिए उसे जेल में भी जाना पड़ सकता है, तो तुम हमें पे कर सकते हो और हम ये सब भूल जा सकते हैं। वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। टुको बोलता है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया है? वो बोलते हैं कि कोई पुलिस आ नहीं रही, पर तुम अगर पे नहीं करोगे तो पुलिस आ सकती है। फिर टुको उसकी ग्रैंड मदर की काठी लेता है और उन दोनों को बेहोश कर देता है। उसकी ग्रैंड मदर को कुछ नीचे से आवाज आ रहे होते हैं, फिर वो देखने के लिए जाती है। टुको कारपेट से जो ब्लड होता है वो साफ कर रहा होता है, पर वो उसने अपने ग्रैंड मदर को बोलता है कि ये ब्लड नहीं है, ये एक साल्सा सॉस है। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें एक क्लब सोडा यूज करना चाहिए अगर तुम्हें वो साफ करना है तो। वो बोलता है कि तुम अपना सीरियल देखो, मैं साफ कर लूंगा, मुझे हेल्प की वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर वो अपने आदमियों को कॉल करता है, अपने बॉडी गार्ड नोडोस और नाचो को वो कॉल करता है। वो सबको एक ट्रक भी लाने के लिए बोलता है। फिर डोर पर सॉल आता है और फिर वो उसके गन लगा कर उसे घर में बैठने के लिए बोलता है। सॉल उस ब्लड को देखता है और सॉल बोलता है कि मैं गैस लेने वाला हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स थे वो यहाँ आए और ओल्ड लेडी को उन्होंने धमकाया, उस पर फिर तुमने एक्ट किया और उसको तुमने इंजोर कर दिया। उसे ये भी लग रहा होता है कि वो मर चुके होंगे। फिर वो डर रहा होता है और वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि वो जिंदा ही है। फिर टुको उन दोनों के पास सॉल को लेकर जाता है। टुको ने उन दोनों को बांध दिया होता है और उन दोनों के मुंह पर भी उसने पट्टी रखी होती है। सॉल फिर उनकी पट्टी निकालता है और फिर वो दोनों बताते हैं कि इसने हमें पैसे दिए थे तुम्हारी ग्रैंड मदर को हिट करने के लिए। टुको फिर चिढ़ जाता है और हमें वो तीनों डेजर्ट में दिखाए गए हैं। अब सॉल के मुंह पर भी पट्टी है और उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। टुको उसके आदमियों के साथ होता है, उसका बॉडीगार्ड नोडोस और नाचो भी वहाँ होता है। नाचो एक नया कैरेक्टर है इस सीरीज में। फिर टुको सॉल से पूछताछ कर रहा होता है कि तुम किसके साथ काम करते हो। उसे लग रहा होता है कि FBI या पुलिस के साथ काम कर रहा है। वो फिर एक कटर निकलता है, उसके हाथ वो काट देने वाला होता है और पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, ये बताने का अब तुम्हारा लास्ट चांस है। सॉल को पता नहीं होता कि उसे क्या बोलना है। सच उसे बता देता है कि वो एक लॉयर है, पर वो मान नहीं रहा होता। फिर सॉल बोलता है कि मैं FBI के साथ हूँ। फिर टोको उसे छोड़ता है और नाचो से बात करता है, बोलता है कि मेरा शक सही था, ये FBI के साथ ही है। टोको को और शांत रहने के लिए बोलता है और वो सॉल से एक पर्सनली बात करने जाता है। वो सॉल से पूछता है कि तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो तो प्लीज बता दो कि हम किस बिजनेस में हैं। नाचो को पता होता है कि ये FBI वगैरह नहीं है। सॉल फिर आंसर नहीं दे पाता। वो फिर टुको को समझाता है कि उसकी उंगलियां तुम काटने वाले थे, इसलिए वो कुछ भी बोल रहा था, ये FBI नहीं है। ये जो दो लड़के हैं ये भी हमें FBI दूर दूर तक नहीं लगते। टुको नाचो से बोलता है कि मेरी ग्रैंड मदर को इन दोनों ने तकलीफ दी थी। नाचो बोलता है कि जो लॉयर है उसे हमने छोड़ देना चाहिए, वो रिस्पेक्ट भी दे रहा है। लॉयर को अगर हम घाट करेंगे तो ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो सॉल को छोड़ देने वाले होते हैं। सॉल को वो अनकफ करते हैं और वो दोनों लड़कों को मार देने वाले होते हैं। टुको जा ही रहा होता है तभी सॉल बोलता है कि इन दोनों को तुम्हें मारना नहीं है, इतने छोटे से क्राइम को अगर तुम मार दोगे तो लोग क्या कहेंगे। सॉल बोलता है कि इनकी मदर बहुत ही हार्ड काम करती है और फिर वो इन दोनों को एक रोजी रोटी खिलाती है। इसके दोनों बेटे अगर मर गए तो उसका बहुत ही बुरा होगा। टुको को इसके बारे में कुछ भी नहीं लग रहा होता। सॉल फिर उसे समझाता है कि उन्हें जो क्राइम किया है इस तरह से तुम्हें उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए, ये एक स्केटर है तो तुम इनके पाँव तोड़ सकते हो। टुको को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। टुको बोलता है कि इन दोनों के दोनों पैर मैं तोड़ना चाहता हूँ। फिर सॉल उसके सेंटेंस को कम करके वो बोलता है कि एक एक पैर इनके तोड़ दो, ये 6 महीने तक स्केट नहीं कर पाएंगे और जिंदगी भर तुम्हें याद रखेंगे, ये तुमसे डरेंगे। फिर यही उनकी डील फाइनल हो जाती है। सॉल उनकी हड्डियां टूटते हुए दिखता है। फिर उन दोनों को वो हॉस्पिटल लेकर जाता है, उनका बिल भी वो पे करता है। नेक्स्ट सीन में हमें सॉल एक डेट पर दिखाया गया है। उसका डेट पर उतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा होता क्योंकि एक आदमी स्टिक्स वहाँ खा रहा होता है। उस स्टिक टूटने का आवाज और हड्डियां टूटने का आवाज सेम होता है और वो डिस्टर्ब हो रहा होता है।
उस डेट से वो बहुत सारी दारू पीकर फिर उसके ब्रदर के घर आ जाता है। उसके ब्रदर के घर पर आने पर उसका सेलफोन भी उसने अपने साथ लाया हुआ होता है। उसका ब्रदर फिर उसका सेलफोन वहाँ से फेंक देता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत ही तकलीफ होती है। सॉल फिर नेक्स्ट दिन उठता है। उसका ब्रदर उसके लिए कॉफी लाता है। सॉल ने उन स्केटर्स को हॉस्पिटल में डाला था और इसका बिल उसके पास होता है। वो बिल उसे डेस्क पर दिखता है तो उसके ब्रदर को वो समझाने की कोशिश करता है, ये जो तुम्हें लग रहा है ये वैसा नहीं है, मैं मेरे क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं फिर से कोई गलत काम नहीं कर रहा। प्रीवियस में सॉल एक सिपिंग जिमी था। वो लोगों से पैसे ऐंठता था, लोगों को कॉन करता था और उनके पैसे ले लेता था। उसके ब्रदर ने प्रीवियस में उसे बहुत हेल्प की होती है। वो उसे अश्योर करता है कि मैं फिर से कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा। उसका ब्रदर उसे समझाता है कि ये जो तुम जॉब कर रहे हो इस जॉब में भी तुम्हें बहुत ही एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है। फिर से हमें कोर्ट रूम में सॉल दिखाया गया है। बहुत सारे दिन हमें उसका रूटीन दिखता है। वो लोगों को बचाता है। माइक से फिर से उसका बहुत बार झगड़ा होता है पार्किंग टिकट्स को लेकर। बहुत सारे दिन गुजर जाने के बाद भी वो बहुत ही अनहैप्पी हमें दिखाई देता है। एक दिन फिर वो अपने घर आता है, उसकी मशीन चेक करता है पर उस पर कोई भी कॉल नहीं आए हुए होते। फिर अपने ऑफिस में वो डेस्क वगैरह सब क्लियर करता है और वहाँ सोने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक लेडी आती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए क्लाइंट आया है। ये नाचो होता है। वो नाचो को बैठने के लिए बोलता है, फिर नाचो उसे एक डील देता है। फिर नाचो उससे बोलता है कि तुम हमें बता रहे थे कि तुम एक कपल को ऐंठने वाले थे। उस कपल ने 1.7 मिलियन डॉलर्स चोरी किए थे काउंटी ट्रेजर से, तो अब नाचो को उनका पता चाहिए होता है। वो सॉल को बोलता है, अगर तुमने मुझे उन्होंने पैसे कहाँ रखे वो बता दिया तो मैं तुम्हें 10% कट दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सॉल बोलता है कि मैं एक क्रिमिनल नहीं हूँ। फिर वो हंसता है। फिर सॉल उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं उनका सिर्फ केस पाना चाहता था, इसलिए मैंने वो ट्रिक की थी, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। फिर नाचो उसका नंबर उसे दे देता है और वहाँ से जाते जाते बोलता है कि अगर तुमने माइंड चेंज किया तो मुझे कॉल कर दो। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।